फ्रेंच एसेंस की तरफ से एक और नया रिलीज जिसका नाम है नुआर 60 ml ओ दे परफ्यूम और डिओड्रेंट 150 ml के साथ ये आता है और इसका दाम है सिर्फ 600 रुपये। इस दाम पे मैं ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं करूँगा क्योंकि हर चीज़ दाम के हिसाब से जाना चाहिए। प्रेजेंटेशन भी बहुत बढ़िया है, 600 रुपये में अगर आपको ये मिल रहा है ऐसे प्रेजेंटेशन डिओड्रेंट और परफ्यूम स्प्रे के साथ, तो ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। तो चलिए खुशबू के बारे में बात करते हैं। ये शुरुआत होता है, मैं पहली बार अनबॉक्सिंग नहीं कर रहा हूँ, इसका टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुका है, बस वीडियो के लिए मैंने अभी दिखा दिया आप लोगों को। तो ये शुरुआत होता है बर्गमॉट प्लम और बेसिल नोट के साथ। बेसिल बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पर, थोड़ा बहुत लैवेंडर जो ओल्ड स्कूल बार्बर शॉप टाइप फ्रेग्रेंस होता है ना उसकी तरह भी स्मेल करेगा आपको, तो वो वाला बार्बर शॉप लैवेंडरिश फील मेरा पर्सनल फेवरेट होता नहीं है कभी भी, कोई भी फ्रेग्रेंस ले लो आप। तो इसके मुकाबले अगर बात करना है तो मैं अभी भी आपको फ्रेंच एसेंस का रिचार्ज नाम से जो परफ्यूम आता है, पहले भी मेरे दूसरे वीडियो पर उसका तारीफ किया था, बहुत ही बढ़िया है उस दाम पर। अगर इसको कंपेयर करूँ मैं उसी को रेकमेंड करूँगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी बेसिल लैवेंडर टाइप फ्रेग्रेंस पसंद है और लास्टिंग से मतलब है, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा क्योंकि इसका लास्टिंग रिचार्ज से भी बहुत बढ़िया है। 8 घंटे तक मुझे इसका लास्टिंग महसूस हुआ और 2 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन भी महसूस हुआ। 600 में अगर आपको ऐसे फ्रेग्रेंस डिओड्रेंट के साथ अगर मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। पर्सनली ये मेरा फेवरेट नहीं है, मैं अभी भी रिचार्ज को ही रिकमेंड करूँगा। रिचार्ज बहुत रिसेंटली मैंने, मेरे एक रिलेटिव भी घर पे आया था, उनको भी रिचार्ज बहुत पसंद आया था। तो अगर आपको लास्टिंग से मतलब है तो नुआर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, ये इनका एक नया रिलीज है। बेस में आपको थोड़ा सा वुडी नोट भी महसूस होगा। तो ये हुआ नुआर का रिव्यू। अगर आप इस परफ्यूम को अगर ट्राई कर चुका है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपका ओपिनियन क्या है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।